नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। स्थानीय शिवसेना डोंडी लोहारा नेता संदीप कसार ने शासन प्रशासन और गिधाली स्थित गोदावरी इस्पात प्रबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रशासन और प्रबंधन की मिली भगत से डोंडी लोहारा क्षेत्र की आम जनता और विशेषकर कृषि कार्य पर जीविकोपार्जन करने वाले लोगों के साथ अन्याय करने का खेल जारी है। सारी खेल के बारे में बोले भारे लोग अनजान हैं। गोदावरी इस्पात गिधाली से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल को डोंडी लोहारा नगर सहित संबलपुर बटेरा अंडी कमकापार व आसपास के गांवों में डंप किया जा रहा है। उक्त वेस्टेज को जो कि क्षेत्र में हजारों ट्रकों द्वारा डंप कर भूमि स्वामियों द्वारा अपनी भूमि के गड्ढों को भरने के लिए उपयोग कर समतलीकरण किया जा रहा है, वो भी ऐसे स्थानों पर जहां लोग कृषि कार्य करते हैं। उक्त वेस्ट मटेरियल को जिस जगह स्थान पर खपाया जा रहा है उस क्षेत्र की कृषि भूमि को बंजर में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी, अर्थात कृषि भूमि की उपजाऊ क्षमता निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। जो किसान आज प्रति एकड़ 20 क्विंटल पैदावार ले रहे हैं वे आने वाले समय में 10 क्विंटल भी नहीं ले पाएंगे। इस बारे में इस बात से ग्रामीण व भोले भाले लोग पूरी तरह से अनजान हैं, जिसका शोषण शासन प्रशासन और गोदावरी इस्पात प्रबंधन की आपसी मिलीभगत से बदस्तूर जारी है। इस्पात प्रबंधन को वेस्टेज को कहीं ना कहीं खपाना ही है, लेकिन इसके फायदे के लिए किसानों को बलि का बकरा बनाना कहाँ तक जायज़ है? क्या ये उन किसानों के साथ अन्याय नहीं है? क्या शासन प्रशासन धान का कटोरा कहे जाने वाले कृषि कार्य पर आश्रित किसानों का धान का कटोरा की बजाय भीख का कटोरा पकड़ाने पर आमदा है? प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल निशान है कि उक्त वेस्टेज मटेरियल को कृषि आश्रित क्षेत्र में डंप करने की अनुमति कैसे प्रदान की गई। शिवसेना नेता संदीप कसार ने चेतावनी स्वरूप कहा कि तत्काल प्रभाव से उक्त वेस्टेज मटेरियल का परिवहन व डंपिंग कार्य पर स्वतः संज्ञान लेते हुए रोक लगाए, साथ ही प्रभावित होने वाले किसानों को मुआवजा प्रदान किया जाए। अन्यथा की स्थिति में शिवसेना प्रभावित किसानों को साथ लेकर आंदोलन के लिए तैयार है।